कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में हम किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट में कौन कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जो कि कॉन्ट्रा फंड, तो दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बना दी है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हम ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू हम डायरेक्ट प्लान में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के लिए ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूं, ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से प्रॉफिट करना है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। या फिर आप जिस तरीके की वीडियो चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे यहाँ पर करना है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ म्यूचुअल फंड, नीचे ऑप्शन देखने को मिल गया है हमें, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है कौन सा म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जैसे कि मुझे SBI कॉन्ट्रा फंड, आप यहाँ पर SBI के अगर कॉन्ट्रा फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इस समय जो इसकी NAV है वो एकदम गिरी हुई है, ठीक है, यानी कि डाउन है, ठीक है, क्योंकि एक साल में इसने कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न दिया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 45.23, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कि कोटला महिंद्रा बैंक है उसका है करीब 56 कुछ है उसका रिटर्न, ठीक है। तो आप अगर कॉन्ट्रा जो कि फंड में यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो आप देख पा रहे हैं कोट का इंडियन AQ कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। या इसमें तीन आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आप इसका जो रिटर्न देखेंगे एक साल में बहुत हाई है, ठीक है, जो कि 54.45 है। पर मैं आपको बता दूं अगर आप यानी कि कम समय के लिए कर रहे हैं एक साल के लिए तो आप इसमें कर सकते हैं, और आप अधिक समय के लिए कर रहे हैं तो आप SBI के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसी में ही करके दिखा देता हूं, ठीक है। इसके आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं, और इसकी जो रेटिंग है वो 4 की रेटिंग है। इसकी NAV है यानी कि 193.81 NAV है। इसी के साथ में आप यहां पर चूँकि रिटर्न कैलकुलेटर भी यहां पर चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि SIP शुरू करते हैं तो आपको अगर 5,000 रुपये शुरू करते हैं 5,000 रुपये से, और आपकी जो अमाउंट होगी एक साल बाद, ठीक है, तो वो आपकी अमाउंट हो जाएगी 60,000 जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, और टोटल आपको रुपए जो मिलेगा वो मिलेगा 72,454 रुपये जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यानी कि 20.75 का यहां पर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में आप इसकी जो रैंक वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 3 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है, और 5 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है, और आज यानी कि 19 से कम तो इसने दिया ही नहीं है। तो आप यहाँ पर रैंक इन कैटेगरी भी देख सकते हैं और कैटेगरी एवरेज भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है टैक्स से रिलेटेड एक्सपेंसिव जो रेट है, जो तो इसका यानी कि कम ही होगा क्योंकि जो रेगुलर होता है उसमें अधिक होता है एक्सपेंसिव रेट, ठीक है। और आप देखेंगे जो आपका डायरेक्ट होगा उसमें कम होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 0.55 है, जो कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते समय देखना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट लोड कहने का मतलब है अगर आप 90 दिन के भीतर, ठीक है, हालांकि अन्य ज़्यादातर मैंने म्यूचुअल फंडों में देखा है कि एक साल के लिए होता है, पर इसमें बता रहा है कि अगर 90 दिन के बाद अगर आप पैसे को निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और 90 दिन से पहले आप पैसे को निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। इसी के साथ में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1 जुलाई को 2020 में ये यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं अगर आप जो टैक्स है वो किस तरीके से लगेगा, कहने का मतलब है अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। इसी के साथ में अगर आप एक साल के बाद, ठीक है, पैसे को विड्रॉल करते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी कि आपको 1,25,000 का यहाँ पर छूट मिल जाएगा, और इसी के साथ में आपको 12.5 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है
अब ये टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। काफ़ी लोगों को ये समझ में आता होगा कि आखिर यानी 12 क्वांट हम अगर 5 देते हैं और हमें 20% मिलता है तो वहाँ पर हमें बचेगा कितना, 7.5% बचेगा, इससे तो अच्छी हम FD कर दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो अलग होती है। इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो आपको स्क्रीन पर लास्ट में शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फंड मैनेजर का नाम वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पर कौन है, ठीक है। इसी के साथ में और भी आपको यहाँ पर रिसेंटली में कुछ यहाँ पर SBI से रिलेटेड दिए गए हैं जो कि म्यूचुअल फंड, वो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आपका कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप इसमें करना चाहें इसमें कर सकते हैं, पर मैं यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए करूंगा तो मैं सीधे सीधे आपको बता दूंगा SBI वाले में सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और एक साल के लिए करूंगा तो मैं यहाँ पर जो कोटका महिंद्रा बैंक है जो कि इसका मैं म्यूचुअल फंड में करूँगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कोटका इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आप वन टाइम में ही करना चाहते हैं तो आप वन टाइम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर पैसे को ऐड करेंगे, यानी कि कितना पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो पैसे को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पर यहाँ पर ऐसा है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप जितनी अमाउंट डालना चाहें डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 15,000, ठीक है। 15,000 हमने अमाउंट यहाँ पर डाल दी है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं और आपको यहाँ पर इन्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपने ग्रो ऐप के वॉलेट में अगर आपने पैसे को ऐड कर दिया है तो आप ना तो यहाँ से SIP शुरू कर सकते हैं, ना तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे या फिर डायरेक्ट अपनी UPI के थ्रू आप यानी कि बैंक अकाउंट से ही पैसे काटेंगे, क्योंकि जो ग्रो ऐप का वॉलेट है वो बैंक से कुछ अलग है, ठीक है। बैंक खाते का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये 15,000 को सिर्फ एक ही साल तक रखूँगा। और आप इसे कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, अगर आप इसमें 1,00,000 रुपये पैसे को इन्वेस्ट करते तो यानी कि आज की ही डेट में 2023 में, तो आज की डेट में ये 15,000 रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी होती, वो चीज़ भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके ही दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, वन टाइम पे सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15,000, ठीक है। तो देख सकते हैं 15,000 अगर मैंने इसमें आज की ही डेट में 2023 में पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो 15,000 मेरा अमाउंट होता और इसी के साथ में 54.45 का मुझे यहाँ पर रिटर्न मिलता, ठीक है। तो आज जो मेरे 15,000 की वैल्यू होती वो होती 23,168 रुपये, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप FD कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करें, इतनी जल्दी इसमें पैसा नहीं डूबता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे डूबने के जो चांसेस होते हैं वो 1% होते हैं, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा तभी डूबता है आपका पैसा जिस जगह इन्वेस्ट हुआ हुआ है और वो चीज़ें बंद हो जाएं। तो कहने का मतलब है जो आपकी NAV है वो यहाँ पर गिरने लगती है और ऐसे में ना तो आपको रिटर्न मिलता है और जो आपकी NAV है वो डाउन हो जाती है, और जैसे ही डाउन होगी तो कहने का मतलब है आपके पैसे का वहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप उससे पहले विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ये भी फैसिलिटी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4.4 की रेटिंग्स है, तो मैं चलिए फ़िलहाल तो इसे यहाँ पर इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। वन टाइम पे सिंपली क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 15,000 सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर इन्वेस्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन मिल जाए, इस पर आप सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पर गूगल पे फ़ोनपे इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। तो चलिए मैं यहाँ पर गूगल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और 15,000 मैं यहाँ पर OTP आ चुका है और यहाँ पर जो अमाउंट है वे पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना UPI पिन डाल देता हूँ। मैंने अपना UPI पिन डाल दिया है, उसके बाद मैं यस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद में कहने का मतलब है इतना जो हमारा पैसा है हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा और ये मेरा 15,000 का जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से कट करते हैं और यानी कि रेटिंग्स मांग रहा है तो हम यहाँ से फिलहाल तो इसे कट कर देते हैं। ऑर्डर है वो सक्सेसफुल आपका हो चुका है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये का कोटला
इंडियन ईक्यू कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से डन कर देते हैं। डन करने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका प्रोसेसिंग में है, और जो भी इसकी एनएवी होगी वो आपको वहाँ पर 15,000 की वाई करके आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आप कहाँ से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप अपना ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर होम पर भी आ सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और आप यहाँ पर अपने ऐप पर सिंपली क्लिक करेंगे, ऑर्डर पर सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करके, तो जो आपका अभी जो म्यूचुअल फंड में पैसा है आपका यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ नहीं है, पर जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर आपका कंप्लीट और सक्सेसफुली लिखा हुआ आने लगेगा। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ होगा वो आप इसमें ही देख पाएंगे। तो हमने 15,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप जो भी आपके पैसे की वैल्यू वगैरह होगी वो आप यहीं से ही सब कुछ देख सकते। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।